देख सकते हैं इस जगह पे घुसा हुआ, ठीक है। और ये आई थिंक ये इंडियन रेड स्नेक होगा। तो देखते हैं, रुके निकाल के, अच्छे से पता नहीं चल रहा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं मिट्टी मास्टर, नेक रेस्क्यूअर मिट्टी मास्टर में आपका स्वागत है। फिर से किसी बेजवान सांप को बचाने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं ये धनबाद जिले का डिगवाड़ी 12 नंबर एरिया का है। तो आप इस एरिया को, इसके सामने की एक मंदिर भी है, कावासी जो भोलेनाथ का मंदिर है, और ये एक पूजा भंडार का दुकान भी है। तो इसी दुकान के अंदर में कोई स्नेक घुसा हुआ है। अभी इस स्नेक के बारे में हमें भी मालूम नहीं, और भैया को भी नहीं पता है, इन्होंने हमें कॉल किया था, तो इनके लिए थैंक यू जो हमें कॉल किए इसके लिए। चलिए आइए हम रेस्क्यू में, देखिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा स्नेक है, कौन सा नहीं, या गैरिमा है या फिर गैरिमा नहीं है, वो भी जगह से है। तो आई थिंक इस बोरे के नीचे में एक थोड़ा सा छोटा सा छेद है, तो शायद इस छेद में अंदर गया होगा या फिर इधर भी गया होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, देख चुका है सांप, तो देख सकते हैं इस जगह पे घुसा हुआ, ठीक है। और ये आई थिंक ये इंडियन रेड स्नेक होगा। तो देखते हैं, रुके निकाल के, अच्छे से पता नहीं चल रहा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखते हैं। कोई छोटा सा रड दीजिए, कोई छोटा रड है। देखिए भाई, देख सकते हैं उनको, इसने का टेल नजर आ रहा, जो पूंछ है, और ये शायद आई थिंक, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इंडियन रेड स्नेक होगा, टेल से वही पता ही चल रहा। तो इसका पूरा बहुत अंदर में है, तो हमें काफ़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि पूरा बोरा है, तो ऊपर वाला बोरा शायद हटाने के बाद ही इसे अच्छे से रेस्क्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, नीचे गिर रही है, रुकिए रुको, निकलने का कोशिश कर रहा है। तो यहीं पे है, आप लोग भी देखिए इसका बॉडी को, देखिए ऊपर वाला बोरा है ना, उसको उधर गिरा दीजिए ना, उधर उधर ब्लॉक कर दीजिए रास्ता, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और इसी जगह पे है, तो इसे हम लोग धीरे धीरे निकालते हैं, आप लोग बने रहिए। चलो चलो चलो, बाहर लेके आइए भैया, ले आइए बाहर, ले आइए ना, बाहर ले आइए ना, बोलिए। अरे रुक, फाइनली इसे स्नेक हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। ये एक इंडिया रेड स्नेक का बच्चा है, ठीक है। यदि ये और बढ़ेगा, और इसकी कुल लंबाई होती है लगभग 11 फीट, 11.5 फीट होती है ये अभी, और ये बिल्कुल ही जो बोला रहा है, ये सब पौधा छोटा छोटा लग रहा, घरों में मिलता था काजी ये भाई, रस में आनंद ताजा है भाई, कौन सा है ये, काफी सारा गजरे ना बोला है, काफी सारा चूहा, हां तो चूहा को ही एक डंडा मिला होगा, तो उसी के कारण से
वो भी थोड़ा परेशान थे। एक तो आदमी कोरोना से परेशान है, प्लस ये सांप भी अलग से परेशानी कर देता है। तो कोई बात नहीं, इसी के लिए हम हैं। और मेरा मकसद भी यही है कि सांपों को सुरक्षित बचाना और लोगों को भी सुरक्षित बचाना, और इसके बारे में भी जानकारी देना सभी को। यही कारण से मेरा ये चैनल है और स्नेक रेस्क्यू निखिल माथुर के नाम से मेरा चैनल है। और जो भी मेरे न्यू फॉलोअर है, जो भी मेरा न्यू सब्सक्राइबर है, प्लीज़ मेरे चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का आपको रोमांचक वीडियो मिलते रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वही हमको बोले जो कटी बना हुआ है, ठीक है, बात ले जाए। हाय फ्रेंड्स, कल जो रेस्क्यू किए थे, जिस जो इंडियन रेड स्नेक का बच्चा था, उसी सांप के बारे में आज उसे हम लोग रिलीज करने के लिए जंगल फॉरेस्ट आए हुए हैं। इसी वातावरण में यह आराम से रहेगा, इसके लिए बेटर रहेगा, तो इसे हम लोग रिलीज करते हैं। तो फाइनली ये चला जा गया है। तो हमेशा की तरह, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और सपोर्ट कीजिए इसी तरह से। और अपकमिंग वीडियो पाने के लिए हमेशा बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा। कभी भी स्नेक बाइट होता है तो आप सीधे अस्पताल जाइए, वहीं पर आपको सांपों को जहर से बना एंटीवेनम, और उसी से आपको जान को बचाया जा सकता है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।